ध्रुवन की मित्रा बहुत सौभाग्यशाली, इसको देखो वीनू बंद कर दो, महाराज जी का क्या करना है इसका? नहीं बात जरा, तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप लोग विशेषकर जिनके घर में संत लोग आते हैं, कहते हैं जीवन में भगवान की सबसे बड़ी दया क्या है? सबसे बड़ी दया है किसी को धन देना, किसी को पुत्र देना, परिजन देना, ये भगवान की सबसे बड़ी दया है। बोले कि ये सबसे बड़ी दया नहीं है, क्योंकि अगर सबसे बड़ी दया होती तो रावण को भगवान ने सोने की लंका दी, सोने की लंका। देखो ना, किसी को बड़ा मकान दे दिया तो कम से कम हमें मकान तो मिला है, किसी को 1000 गज का, 2000 गज का मकान है, पर रावण का जो लंका थी सोने की लंका थी, दीवार भी सोने की, ये भी सोने की, सब सोने की। तो रावण के ऊपर सबसे बड़ी कृपा है भगवान की नहीं। और विभीषण, दूसरे विभीषण थे, विभीषण के पास क्या था? कोई भी कोई किसी प्रकार का लोभ नहीं, बस भगवान का नाम था। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, भगवान के प्रिय जो भक्त लोग हैं, किसी घर में इनका आना और जाना हो, अगर किसी घर में संत लोग आते हैं तो समझ लो भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई है, विशेष कृपा हुई है। क्यों? क्योंकि भगवान उन्हीं के पास अपने भक्तों को भेजते हैं जिनके पास, जिनके सारे दुख खत्म होने के लिए जा रहे हैं। अब जिनको भगवान अपनी शरण में लेने के लिए जा रहे हैं उन्हीं के पास भक्तों को भेजते हैं, और जिनके पास अभी दुख बढ़ने जा रहे हैं उनको माया भेजते हैं, माया भेजते हैं, अहंकार भेजते हैं, प्रतिष्ठा भेजते हैं, लोभ भेजते हैं, उसमें फंस जाते हैं, कष्ट दुख भेजते हैं। जिसके घर में संत भेजते हैं तो समझ लो अब क्या हो गया, अब हमारे ऊपर भगवान की सीधी कृपा हो गई। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके घर में वृंदावन से संत लोग आए हैं। हमारे यहाँ पर भागवत कथा चल रही है नोएडा में, अशोक नगर में, सेक्टर 1 के पास में, तो वहां तो कथा बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, तो यहाँ पर कथा करने के लिए आए, विशेषकर आपके घर में तो आए नहीं, इतने सारे घर है, बीच में बहुत सारे घर पड़े, 1000 2000 घर, सेक्टर 11 से यहाँ तक कितने घर बिल्डिंग पड़ी, इसी घर में क्यों आए? क्योंकि इस घर के ऊपर विशेष कृपा हुई भगवान की, तो इस घर में आए। देखो एक बात सुनाते थे हमारे गुरुदेव, और आप लोग भी सुनोगे तो समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब व्यक्ति था, बहुत ही गरीब व्यक्ति था, रात दिन रोता था प्रभु। उसके पास क्या था? खाने को कुछ भी नहीं था। वो क्या करता था, जैसे कि आज ही कमाया और आज ही खत्म हो गया। जैसे हम लोग तो कम से कम 1 महीना कमाया तो 2 महीने चलता है, किसी का जीवन भर भी चल जाता है। तो एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था, उसके पास क्या था? कुछ भी खाने को नहीं था। आज कोई भी काम किएगा, आज ही कमाया और आज ही खत्म हो जाता था। तो एक दिन एक राजा आए, बहुत दयालु राजा आए इनके घर पे, और उनको आशीर्वाद दिया, बेटा क्या कमी है? कहते प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, रोटी खाने के लिए नहीं है, मेरे पास रोज कमाता हूँ, रोज खर्च हो जाता है। तो उन्होंने कहा तो चिंता क्यों कर रहे हो? तो राजा बड़ा दयालु था, उस राजा को दया ही, बोले कि ये जो मेरा बाग है ना, कम से कम 1000 गज का बाग था, कह रहे ये तुम्हारे नाम कर दिया मैं। और उस बाग में चंदन की लकड़ी थी, बहुत सारी चंदन की लकड़ी थी। तो चंदन की लकड़ी की कीमत जानते हैं आप? कभी खरीदने जाओगे ना वृंदावन में, इतनी बड़ी चंदन की लकड़ी होती है, 500 रुपये, 1000 रुपये की होती है। 1 किलो 15,000 रुपया देने पर भी, 20,000 रुपया भी दो, 40,000 रुपये किलो माना जी, इसलिए 40,000 रुपये की, 250 ग्राम, पता नहीं इतना कुछ है, वो आधा किलो लाए थे वो अस्सी अस्सी चंदन आपको नहीं, असली भी नहीं मिलेगी। 40,000 रुपये की इतनी सी लकड़ी होती है वो, एक इतना इतना बड़ा 40,000 रुपये का किलो, और उसका बाग दे दिया, पूरा बाग, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, 1000ों पेड़ लगे थे उसपे। तो कम से लगा लो कितनी बड़ी कीमत होगी, पूरा एक गांव है ना शोर का, और सरफाबाद भी लगा लो, नोएडा भी लगा लो, इतनी बड़ी कीमत उसकी, पूरा आसपास के जितने गांव है इतनी कीमत उस गांव आम की। पर व्यक्ति का दुर्भाग्य, जब दुर्भाग्य होता है ना तो कितना ही धन दे दो कोई लाभ का नहीं। उसने क्या किया, वो एक काम करता था, लकड़ी लेके आता था, लकड़ी को जलाता था, कोयला बनाता था और कोयला को बेचता था, कोयले को बेचता था, कोयले में 10 20 50 रुपए मिलते थे, उससे अपना घर चलाता था। तो उसने क्या किया, बाग दे दिया राजा ने। तो उसने क्या किया, लकड़ी को, चंदन को तोड़ के लाया, लकड़ी को जला जला के कोयला के भाव उसको बेच दिया।
जब बेच दिया राजा है, 1 साल के बाद देखा वो उस घर में आया, वो व्यक्ति अभी भी गरीब है और बड़ा दुखी है। तो राजा ने कहा, अरे अभी भी तुम कैसे दुखी हो, क्या बात हो गई? बोले राजा, मैंने तो तुम्हें एक बाग दिया था, चंदन की लकड़ी का बाग दिया था, और अभी भी तो धनवान नहीं बने। तो कह रहे, प्रभु मैंने तो लकड़ी को लिया, जलाया, कोयले के भाव बेच दिया, खत्म हो गया वो। तो राजा ने क्या किया, अपना हाथ माथे पे रख के, और राजा रोन कह, कितने दुर्भाग्य व्यक्ति है, मैंने चंदन का बाग दिया था, वो कोयले लकड़ी को जला के बेचने के नहीं, सीधी लकड़ी को बेचते, सीधी लकड़ी को बेचते, एक लकड़ी कितने की, 50,000 की बिकती, थोड़ी थोड़ी इतनी, करोड़ों अरबों की जमीन थी, तुम्हारी 10 पीढ़ी खा सकती थी उसमें। तुमने क्या किया, उसे कोयले बना के बेच दिया, तो कुछ लाभ हुआ? तो कहते, तुम्हारा तो भगवान भी मालिक, भगवान ही तुम्हें जानते, क्योंकि तुम्हारा दुर्भाग्य इतना है। जब जब दुर्भाग्य होता है ना, कहते विपरीत काल विनाश काल विपरीत विनाश बुद्धि। काले विपरीत बुद्धि, जब जिसका धन भी दे दो तो उड़ा देते हैं। तो इस कहानी तो बड़ी सीधी सादी है, समझ में आ गई सबकी, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ये हमारा मनुष्य जीवन है, ये भगवान ने दिया, चंदन की लकड़ी से भी ज्यादा कीमत है। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन, मृत्यु, रोग, भय, लड़ाई, द्वेष, क्लेश, कलह के युग से हटके भगवान के धाम बैकुंठ, जहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं है, जहाँ शोक नहीं है, जहाँ मोह नहीं है, जहाँ लड़ाई भी नहीं है आपस में, थोड़ी छोटी प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई, बहू में सास में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, क्लेश, हाँ, यहाँ वहां वैकुंठ में ये नहीं है। तो इतना मनुष्य जन्म दिया है, पर हम उसे कैसे बेकरें, कोयले की भाव। मनुष्य जन्म की कीमत क्या है, बड़ी दुर्लभ है। जैसे मानो कोई मर्सिडीज गाड़ी लेके आए, और मर्सिडीज गाड़ी में लेके भूसे का काम करे, भूसा ढोना लाना, कोई बढ़िया बात है? अगर भूसे का काम ढोना है तो बुग्गी में भी ढो सकते हैं, अरे एक वैगनार में भी ढो सकते हैं, वैन भी ले लो 2-3 लाख की, उसमें ढो सकते हैं। पर कोई मर्सिडीज गाड़ी लाए 1 करोड़ की, और उसमें क्या करें, भूसा का काम ढोने, तो उसे क्या कहेंगे, दुर्भाग्यशाली है ना। गाड़ी इतनी चीज अकेली आई, अभी मैं आया ना, प्रभु जी भैया कह रहे थे, भैया इस गाड़ी में ना, हम बुरा मत मानना, मैं उदाहरण दे रहा, तो कह रहे खिड़की खोल दी, मैंने खिड़की खोली, कह रहे हम दूध का काम करते हैं, इसमें दूध की महक आ रही है ना, तो गाड़ी में दूध गिर गया था। चलो ये तो दूध भी बड़ी कीमती मान है, दूध से बढ़िया है, और मर्सिडीज में नहीं ढो रहे, थोड़ा सा होंडा सिटी जो भी है। पर हम लोग क्या करेंगे, मर्सिडीज गाड़ी में लेके अगर भूसे का काम करें तो हम क्या है, बड़े दुर्भाग्यशाली है। अगर भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, और मनुष्य जन्म देकर जिसने इतनी कीमती मनुष्य जन्म दिया, और 2 आंख दी, 1 आंख से काम चल सकता था, 2 किडनी दिए, 1 किडनी से काम, जिसके 1 किडनी फेल हो जाती है ना, उसको पता होती है 1 किडनी की कितनी कीमत है, 30-30 लाख रुपए की लगती है 1 किडनी। और भगवान ने 2 हाथ दिए, 1 हाथ से भी काम चला, 2 पैर दिए, अगर इतना देने पर भी अगर उस प्रभु का हम नाम नहीं करते, उसकी शरण में नहीं जाते, उसका भजन नहीं करते, तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है, कोई नहीं है। हम कोयले के भाव इस मनुष्य जन्म को भेज रहे हैं। कोयले के भाव मतलब, कोयले के भाव लकड़ी को जलाकर, कोयले के भाव में लकड़ी को जलाकर मतलब खाना पीना सोना, संतानों को पैदा करना बड़ा करना और मर जाना, फिर दोबारे जन्म होना, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना बड़ा करना मर जाना, ये काम कर रहे हैं। ये कोयले के भाव क्यों बोला, क्योंकि कोयले के भाव इसलिए बोला, ये हर जन्म में हो जाएगा, पशु भी कर लेता है, हर जानवर बच्चों को जन्म देता है, बड़ा भी करता है और खाता भी है खिलाता भी है। यदि भी सबसे ज्यादा टेंशन मनुष्य को ही है, 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा टेंशन किसको है, और किसी को नहीं है। आप देखो बैल है ना, बैल, गाय, बैल, घोड़ा, उनके सामने खाना रख दो तो जितना रख दोगे ना खा लेंगे, अपना मस्त हो जाएंगे, शाम की शाम को सोचेंगे जब मिलेगा, ये कमाए माने की कोई चिंता नहीं। एक बैल है ना, एक बैल को बाहर गेहूं का बोरी मिली खुली, उसने उसमें मांगा, मुंह मारा और खा के आ गया, और बिखेर के आ गया, और छोड़ के आ गया, भाई घर लेके नहीं आया। अगर हमको कहीं मिल जाए ना, एक जगह कहीं लॉटरी मिल जाए, 1 लाख रुपए मिल जाए, पहले तो हम उसे उठाएंगे, जितना जरूरत रखेंगे, और बाद में भर लेंगे, दोबारा जाएंगे, दोबारा तो नहीं गिरा वहां, है ना। पर देखो कोई भी जानवर देखो, कहीं जानवर देखो जितना जरूरत है सुबह उतना खाता है, फिर शाम को जितना मर्जी शाम को खिलाएगा, चिड़िया भी उतना चुग के लाते जितना उसको जरूरत है। पर एक मनुष्य ही जन्म है जो सबसे ज्यादा चिंता की ग्रस्त है, सबसे ज्यादा टेंशन, पेट भर नहीं रहा,
दो रोटी अभी मिल रही है, शाम का भी जुगाड़ है, फिर भी चिंता है कल को क्या होगा, बच्चे की, इसकी, बड़े की शादी, विवाह आदि। तो सबसे ज्यादा चिंता की जीवन क्या है? मनुष्य जन्म। और सबसे बुद्धिमान भगवान ने सबसे ज्यादा बुद्धि किसको दी है? मनुष्य को। पर फिर भी बड़े ही दुर्भाग्यशाली है, पर वो सौभाग्यशाली बन सकते हैं। क्यों? अगर वो संत की शरण में आ जाए, संत की शरण में आ जाए ना, तो बहुत सौभाग्यशाली बन जाएंगे। इस कीमत को पहचानेंगे, भाई हाँ मनुष्य जन्म की कितनी कीमत है और हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्यों भगवान की शरण में जाना चाहिए? क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं और हमको प्रेम करने वाले और हमारी चिंता करते हैं, और कोई भी हमारी चिंता करने वाला नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान को किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। एक ही दुख है कि उनकी जो संतान हमें, हम उनको भूल गए हैं, हम उनको भूल गए हैं और उनको भूलने कारण हम दुखी हैं। भगवान चाहते हैं मेरे पास आ जाएं। देखो उदाहरण के द्वारा देखो, एक करोड़पति पिता का बच्चा है, करोड़पति पिता का, पर पिता में और बच्चे में झगड़ा हो गया, बेटे में झगड़ा हो गया, और बेटा क्या हो गया, घर छोड़ के चला गया। पिताजी के पास 50 फ्लैट है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर बच्चा रूठ के गया, पिताजी मैं तुम्हारे आपके घर नहीं रहूंगा, आप छोटी छोटी बातों पे टोकते हो। बच्चा चला गया, गया तो घर छोड़ के गुस्से में था, अभी क्या खाएगा क्या पिएगा, तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है बच्चे को। बोले पिताजी मैं क्या घर घर भीख मांग लूंगा पर घर नहीं आऊंगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, बाहर ढाबे में ना, ढाबे में बर्तनों को मांझ रहा है। किसका बेटा है? अंबानी का या टाटा बिरला आदि आदि का बेटा है। और किसी ढाबे पे बर्तनों को मांजेगा, कितना दुख लगेगा पिताजी को, है ना, कितना दुख लगेगा। तो पिताजी कौन है? बहुत पैसे वाले, धनवान है स्वयं, परंतु एक ही चिंता है, मेरा बेटा किस तरह, मैं किस लिए कमाया है, एक ही बेटा है और इसलिए किस लिए कमाया है कि बच्चों के लिए कमाया है। मेरा बच्चा ढाबे में बर्तन मांजेगा, तो वो बच्चे को बुलाने के लिए जाते हैं। जैसे जाए तो बच्चा कहता है पिताजी मैं नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बर्तन मांज लूंगा। तो पिताजी को एक ही दुख है, बेटा कैसे आए, एक कैसे आए बेटा। तो उसको लाने के लिए सारी योजना करते रहते पिताजी। तो पिताजी का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण, वो हमारे परम पिता है। ममैवान से जीव लोके जीव भूत सनातना, हम सब भगवान की संतान है, हम उनको भूल गए हैं। उनको भूलने के कारण कोई तो क्या कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, कोई ढाबे की दुकान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इतने समय से जीवन हम लोग लगे हुए हैं, है ना। परंतु भगवान को एक ही दुख है, किसी तरह से संतान मेरे पास आए। अब हम भगवान के पास कैसे आए, उसमें भगवान योजना बनाते रहते हैं, किसी को भेजते, अरे तुम ही मेरे बेटे को मना के ले आओ, तुम ही मेरे बेटे को मना के ले आओ, इतनी प्रॉपर्टी को कौन भोग करेगा, कौन खाएगा, कौन। तो भगवान ऐसी बड़ी योजना बनाते हैं, कभी भागवत को भेजते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते, कभी नरसिंह के रूप में आते, कभी राम के रूप में आते, कभी बावन के रूप में आते, कभी गीता ग्रंथों को भेजते, कभी भागवत आदि ग्रंथों को भेजते, कभी संतों को भेजते कि जाओ मेरी जो संतान है, जो मेरे को भूल गई, उनको जगा के लाओ, उनको उठा के लाओ। तो संत लोग किस लिए आते हैं कि हमको याद दिलाने के लिए, हम भगवान की संतान है और भगवान को भूल गए हैं, तो वो याद दिलाते हैं। और कैसे याद दिलाते हैं? जब हम याद, अभी हम जाना नहीं चाह रहे परम सुख का स्थान, हम जाने नहीं चाह रहे, हमारी स्थिति कैसे हो गई पता है? अब सोच भी नहीं सकते, धीरे धीरे ऐसी होगी जैसे कि एक पति पत्नी है, दो बच्चे उनके, और दो बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, पति ने कुछ गड़बड़ किया, झगड़ा किया, पुलिस पकड़ के ले गई इसको। जब पुलिस पकड़ के ले गई तो क्या हुआ, रो रहा था, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी को कौन खिलाएगा, मैं ही कमाने वाला हूं, और आज मेरे को जेल में जाना पड़ रहा है। तो बड़ा रो रहा था, बड़ा दुखी हो गया। जब जेल में गया तो पत्नी से कह रहा चिंता मत करना मैं बाहर आ जाऊंगा, बच्चों से कह रहा मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगा, चिंता मत करना। पर जैसे ही जेल में गया, अब जेल में जैसे ही गया तो वहां 1 महीना हो गया, धीरे धीरे पत्नी को भूल गया। वहां बहुत सारे कैदी मिले उसे, कैदी नंबर 135, कैदी नंबर 136, कैदी नंबर 137, कैदी नंबर 138, बहुत सारे कैदी मिल गए उनको। जब कैदी बहुत सारे मिल गए, उसको दोस्ती होगी कैदियों से। अब धीरे धीरे पत्नी को भूल गया, अभी बच्चे को भूल गया, सजा मिली 2-3 साल की। पहले मैंने पत्नी के लिए रोता था, बच्चों के लिए रोता था, दूसरे साल धीरे धीरे कम हो गया, अब तीसरे साल बड़ी दोस्ती होगी कैदियों के साथ। जब दोस्ती हो गई तो
2 साल हो गए उन्होंने कहा जेल से अब तुम्हारी सजा पूरी होगी, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। कह रहे मैं नहीं जाना चाह रहा। कह रहे मैं क्यों जाऊँ? बोले क्यों भैया, तुम्हारी जेल में 2 साल की सजा थी, जाओ अपने बीवी बच्चे तुम्हारे जाओ। बोले नहीं, बाहर कैदी नंबर 135 बाहर जाएगा। कह रहे कैदी नंबर 135 क्यों जाएगा, उसकी सजा तो अभी रह रही है। कह रहे फिर कैदी नंबर 136 को भेजो। कह रहे इसको भी क्यों भेजे, इसकी भी सजा रह रही है। बोले कैदी नंबर 137 को भेजो। बोले इसकी भी सजा रह रही है। कह रहे मेरे को क्यों भेज रहे हो, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो कह रहे ये इसका मतलब क्या है, ये सब हम सब हमारी स्थिति है। भगवान हमको लेने के लिए आते हैं, आप चलो चलो, तो हम कहते हैं कैदी नंबर 135 को भी ले चलो, ये मिलेगा वहां। ये कौन है कैदी नंबर 135, 36, 37, 38 कौन है? हाँ प्रभु जी कह रहे हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी अड़ोसी, यही बोल रहे। क्योंकि अभी हम आए थे कहां से, उस जगत से लेने आए, और इस जगत में जेल में जहां मच्छर भी खा रहे हैं और जहां पर क्या है दुख भी है कष्ट भी है, पर यहाँ इतना मन लग गया यहाँ से जाना नहीं पाते। ये क्या सौर का काम है ना। अगर कोई बोले भी यहाँ से आलिशान मकान देंगे, 1000 बीघे का, 1000 गज का देंगे, बढ़िया मकान बने, आप चलो, किसी किसी को आसक्ति हो जाती है, नहीं भैया इस गांव को छोड़ के नहीं जाना। कहते इससे बढ़िया सुविधा मिलेगी, मार्केट मिलेगी, ये मिलेगी। कह रहे बोले इसको छोड़ के नहीं जाता। तो इतनी आसक्ति हो जाती है, कितना ही सुंदर दे लो। तो ये क्या होता, संत लोग आते भैया यहाँ जन्म है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ बुढ़ापा है, यहाँ रोग है, यहाँ कष्ट है, यहाँ क्लेश है, हम ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते हैं जहां पर दुख नहीं है और जहां पर किसी प्रकार का रोग नहीं है, शोक नहीं है। आप चलो यहाँ पर देखो, कोई भी है यहाँ पर, लोग जब तक लोग पूछते हैं, जब तक जेब में पैसे हैं लोग कहते हैं आप कैसे हैं, पैसे कौन, आप कौन है ना। तो लोग जब तक ही पूछ रहे हैं, सास बहू को कौन पूछते, जब तक बूढ़ी सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं ना, तो कोई पूछते नहीं, बेटा हो गया तेरे, बूढ़े बूढ़े खांसते रहते, कब जाएंगे यहाँ से। अब देख मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ। सच में हमारे जो पुराने बड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, जब तक तो बड़ी सेवा करेंगे, दमाते हंस रही है, सच की बात होती है ना, बिल्कुल जो बिल्कुल सच की बात है। जब ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं ना, आपको देखो पूछ रहे लोग, जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक थोड़ा भी काम कर रहे हो ना, अरे बच्चे को लेके जा रहे, हमारे दादा दादी है आपके बारे में बताऊंगा, सुनो नहीं, अभी सास के बारे में हंस रहे हो, बहू के बारे में बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात। जब तक देखो थोड़ी भी सास काम कर रही है ना, ससुर काम कर रहा है, मतलब बच्चों को लेके आ रहे, पढ़ा रहे, खिला रहे, पिला रहे, कहते हैं बढ़िया काम किए, बुढ़िया काम किए, अभी तो जैसे खिलाते रहो पिलाते रहो। जब बुढ़िया पूरी बेड पे बैठ जाएगी, बुढ़ा पूरा बेड पे हो जाएगा ना, खांसता रहेगा और कुछ काम कर ही रहेगा, तो फिर कहेंगे भैया भगवान उठा ले इसे, जल्दी उठा ले इसीलिए। और देखो बहू भी कब तक काम किए, बहू भी जब तक काम किए है, जब तक भी, जैसे कि अभी मैं सच की बात बता रहा हूँ, पति पत्नी है, अगर पत्नी काम कर रही है, जब दो पैर दो हाथ चले काम किए, अगर दो पैर टूट जाए, सच की बात बता रहा हूँ मैं, अभी अमृतसर में क्या हुआ, एक पति पत्नी बड़ा प्रेम करते थे अमृतसर में, हमारे जानने वाले, बहुत प्रेम, पत्नी को बड़ा प्रेम करता था वो। तो पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया पत्नी का, तो अभी पत्नी बेड पर है, अभी भी बेड पर है, वो बेचारी चल भी नहीं पा रही, तो उसका पैर भी काम नहीं कर रहे। तो इतना ज्यादा प्रेम करता, बहुत रोया भी और उसका इलाज भी कराया, पर इलाज ठीक से हो नहीं पाया, मतलब ठीक नहीं हो पाई। तो क्या हुआ, अब उसने पत्नी को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। क्यों? क्योंकि आप भी सच में ही बात है, कोई भी जगत की सच की बात बता रहा हूं मैं आपको, भगवान की नहीं, पहले जगत को समझो। जब जगत को समझोगे दुख लगेगा, जब जाओगे सुख के, आप कहोगे भगवान से हमें क्या लेना देना, हमारे तो खुशी है, परिवार है हमारे, मकान है, पति है, बच्चे हैं, हम क्यों जाएं। पहले इस संसार में देखो दुख है कि नहीं, जब जाओ सुख के लिए। तो मैं संसार की स्थिति बता रहा हूँ, भगवान ने गीता में कहा है दुखालियम और अशाश्वतम, ये दुख का घर है। तो जो पति पत्नी बड़ा प्रेम करते थे, तो पत्नी बड़ा प्रेम करती थी, और प्रेम करने के बाद अभी क्या हुआ, उसने उसको छोड़ दिया, बेचारी अकेले है, उसके घर माई के वाले ले गए और उसकी सेवा कर रहे हैं। तो बेड पे काम की है नहीं, चल फिर नहीं सकती, खाना नहीं बना सकती, कुछ भी नहीं, तो उसने छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली। तो जगत के लोग ऐसे ही हैं, सब लोग, बच्चे भी कब तक खिला रहे हैं, बच्चे जब तक खिलाते हैं, जब तक शादी कर दो। शादी करने के बाद जो माँ 9 महीने तक घर में रखा, नर्सरी पढ़ाया, केजी पढ़ाया, फर्स्ट पढ़ाया, सेकंड थर्ड, 12th तक कराई, 12वीं क्लास पढ़ा रही है, बेटा बहुत, माँ बहुत प्रेम करता है। जिस दिन शादी हो गई, पहले दिन एक घर में बहू आई, उसके बाद धीरे धीरे माँ भी अच्छी नहीं लगती, लगती है कोई, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसलिए
एक छोटी सी और अभी बस 2 मिनट की और सुन लो, क्योंकि संसार की दशा देख लो, संसार की दशा समझ गए ना, फिर बोला भाई आपके पास क्या, भगवान क्या देने वाले, फिर भगवान के पास बताएंगे क्या देने वाले। इसलिए एक बार पत्नी, नहीं, घर में शादी होके आई और घर में आके झगड़ा शुरू। पत्नी कह रही सास को बाहर निकालो, तो बोले मेरी माँ है, मेरी माँ है, मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता, मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, मैं क्यों निकालू। रोज लड़ाई, रोज झगड़ाई, बेचारा बड़ा टेंशन में, बड़ा परेशान। तो उसने कहा कि भैया तुम फैसला कर लो बैठ के, दोनों बहू और सास बैठ के फैसला कर लो, मैं नौकरी करता हूँ, मैं तुम्हें कमाता हूँ, पैसा भी देता हूँ, तुम्हें 2 रोटी नहीं खाई जा रही आराम से। तो पत्नी बोली नहीं, हमें अलग अलग, इनको अलग रखो, मेरे को अलग। तो उन्होंने माँ को बोला, माँ मैं तुम्हें दूसरा मकान दे रहा हूँ और पत्नी को दूसरे में रखूंगा, और आप अलग अलग रहो, मैं रोज लड़ाई से बड़ा परेशान। तो उसने कहा, माँ, माँ ने कहा कि माँ से कहा, बेटा माँ अपना हिसाब किताब बता दो, 25 साल तुमने मेरा पाला पोसा ना, उसका हिसाब किताब बता दो। तो उसने कहा, माँ तो बड़ी धक्का लगा, 25 साल का हिसाब किताब, पाला पोसा, उसका कैसे लगाएगी, माँ तो बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो माँ ने कहा, बेटा मेरे को ना टाइम दो, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हिसाब लगाऊंगी, 25 साल का बात है, एक दिन की तो बात नहीं है, अब 25 साल का हिसाब किताब है। तो बहू ने कहा, हिसाब किताब लगा लो, जब हिसाब किताब पूरा हो जब ही आऊंगी, वो मायके चली गई, वो तो चली गई मायके। तो माँ ने कहा, बेटा एक काम करना, तुम तो रात को सोते दरवाजा खुला हो करके सोना, जब रात को सोते दरवाजा खुला करके सोना। उसने कहा ठीक है। तो माँ ने कहा, बेटा मेरे को 2-3 दिन लगेंगे हिसाब किताब लगाने में। कहते नहीं माँ, 2-3 दिन तो कोई बात नहीं, रोज रोज की लड़ाई है, लगा लो। तो बेटा सो रहा था, सर्दी का महीना, यही महीना था, दिसंबर जनवरी, जब बेटा सो रहा था बेड पे, तो माँ आई रात को, एक लोटा पानी लेके आई और बेटे के बिस्तर पे गिर दिया, इधर उल्टी साइड में गिर दिया। तो बेटे ने कहा, अरे ये बड़ी गहरी नींद आ रही है। उसने ध्यान से देखा नहीं, उसने करवट ले ली, जब नींद आती ना बड़ी जबरदस्त नींद आती है अच्छी, तो उसने करवट ले ली इधर को। तो माँ दोबारे से लोटा लेके आई, एक लोटा ठंडा पानी, ठंड का रात का मौसम है, तो एक लोटा फिर पानी सीधे हाथ पे डाल दिया, तो उसको गीला गीला लगा। उसने फिर दोबारा करवट बदल ली, इधर भी गीला, फिर माँ एक और लेटा लेकर इधर ले दिया। तो उसने देख लिया, अरे माँ ये क्या कर रही है तुम, कभी पानी इधर गिर रहे हो, कभी पानी इधर गिर रहे हो, क्या कर रहे हो, सोने नहीं देना। तो उसने कहा, बेटा तुमने कहा था 25 साल का हिसाब किताब पूरा करो, मैं तो अभी एक दिन का 10 मिनट का हिसाब किताब कर रही थी, अभी से तुम्हें परेशानी होगी। कह रहे थे क्या माँ, हिसाब क्या कर रहे हो। कह रहे जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, जब तुम गीला बाथरूम कर देते तो मैं तुम्हें सूखे पे सुलाती थी, इधर सो जाती थी, जब तुम बाथरूम इधर कर देते तो मैं इधर से सुलाती थी, इधर सूखा करती थी। ऐसे मैंने कितनी करवटें बदली, कई रात सो ही नहीं पाई। तो एक दिन की बात नहीं है, ये 2 दिन 3 दिन महीना, दोस्त आपको जिन्होंने बच्चे पाले ना वो जानते हैं, जिन्होंने बच्चे पाले, 1 साल तक जब बच्चा होता है नया नया, 1-2 साल तक माँ को चैन नहीं होता, कभी लेटरिन कर रहा 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 5 बजे, कभी कुछ, कोई टाइम ही नहीं है रोने का, खाने का, हंसने का, उल्टी करने का, कुछ भी। तो कहती मैंने कई साल तक ऐसे तेरे को पाला, अभी मैं तो हिसाब कर रही थी एक दिन का, वो ही नहीं लग पा रहा। तो बेटे को होश आया, बोला कि माम आज मेरी आंख खुल गई, तुम्हारा जो हिसाब किताब है 25 साल का वो बहुत लंबा, मैं तो इतना हिसाब रह गया, अभी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बहू तो एक दिन की आई, उसका हिसाब तो हो सकता है ना, उसको मेरे को पाला पोसा ना बड़ा किया, पर माँ का हिसाब कोई कर सकता है। अभी कोई नहीं हंस रहे बहू, कोई बात नहीं, तो ये बात सच की बात है, तो ये संसार की बात ऐसी है, ठीक है ना, ये बात है। इसलिए याद रखो संसार ऐसा ही है, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती, मैं भी, सब लोग ऐसे स्वार्थी लोग हैं। जब तक कोई किसी रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, जब तक लोग अच्छे लग रहे हैं, जब नहीं देंगे तो वही दुश्मन लग जाते हैं, वही शत्रु लग जाते हैं। पर भगवान, बहू भी पाली है, बहू ही सास बनती है, दोनों सास लेडीज ही, दोनों ही माँ है, और दोनों ही माता है, उसमें कोई नहीं, बहू बहू है, सास भी बहू ही तो बनती है उसमें। ये बाबा जो कथा सुना रहे हैं ना, इसका तात्पर्य जो समझो, इसका तात्पर्य ये है, जब तक ये दुनिया में आओगे तब तक ये दुख कष्ट तुम उठाना है, ये दुख कष्ट तुम्हें उठाना, किसी जीवन में जाओ तुमको ये दुख कष्ट उठाना पड़ेगा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई
कोई बीवी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई धन से, कोई पड़ोसी से, ये दुख, क्योंकि कृष्ण जिसने ये दुनिया बनाया वो खुद कह रहा है ये दुख का घर है जिसने बनाया दुनिया को, इसलिए कृष्ण गीता में खुद कहते हैं ये दुख का घर है और ये तुम्हारी घर है ही नहीं, 2 दिन बाद में तुमको घर छोड़ना पड़ेगा। और एक जीवन नहीं, कितने जीवन में नया घर बना रहे हैं, नया घर को छोड़ रहे हैं, कितने जीवन से बना रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो भगवान कहते भैया कब तक ये बनाओगे छोड़ोगे, बोले जब तक तुम अपना घर में नहीं आ जाओ, जब तक तो अपना घर में नहीं आ जाओगे तब तक बनाओगे छोड़ोगे। बोले अपना घर कहाँ पर है, बोले हम तो बनाया इसको अपना बनाया। बोले जो कुछ करो तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी गए तुम भी यहाँ से जाओगे, नहीं चाहने पर भी जब उस शरीर से परमात्मा चले जाए ना 1 घंटा के लिए भी तुम्हारे घर में रुकने नहीं देंगे। बोले बुलाओ परिवार को जितने जल्दी हो इसको निकालो यहाँ से और गोबर पानी गंगा से फिर छिड़काव कराएंगे, फिर पवित्र घर को कराएंगे। इसलिए हमारे घर नहीं, हमारे घर प्रभु के चरण में, हम भगवान का औलाद है, ठाकुर जी के बच्चे हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जब तक तुम मेरे पास में नहीं आ जाओगे तब तक ये दुख कष्ट उठाते रहोगे, तुम्हें एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म से दुख उठा रहे। और ये मानव शरीर जो भगवान दिए ये 84 लाख जन्मों के बाद में मिला है। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे, बोले हे अयोध्या वासियों साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। भगवान राम समझा रहे सबको ये मानव शरीर नहीं, 84 लाख जीवन के बाद में एक ही जीवन मिला, जो एक ही जीवा मिला जिसमें राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो, 2 प्यार दिया घर से यहाँ तक सत्संग में आए हो, 2 ही हाथ दिए जिससे ठाकुर की सेवा कर सकते हो, 1 ही हृदय दिया जिसको ठाकुर को याद कर सकते है ना, 2 ही आंख दिए जो ठाकुर को देख सकते हो। कृष्ण समझा रहे बोले इसलिए हमें जल्दी जल्दी ये मानव शरीर पा करके जितने जल्दी से जल्दी हो प्रभु का भजन करो और ठाकुर को अपना घर में लौट चलो। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जहां जाने पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, बहु सास की झगड़ा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, हैं? वहां पर कोई बुढ़ाई नहीं होगा, कोई जन्म मृत्यु दुख कष्ट कुछ नहीं, वो आनंद ही आनंद ठाकुर जी की चरण में, ठीक है ना। इसलिए वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 चीज करना पड़ेगा। जैसे अब अमेरिका जाओगे, लंदन जाओगे, फ्रांस जाओगे, कहीं भी विदेश जाओगे, तुम्हारे पास में 3 चीज होनी चाहिए तब जा सकते हो। पहला पासपोर्ट, पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा और तीसरा नंबर टिकट, तीसरा नंबर टिकट। अगर 3 चीज हो ना फिर ठाकुर के पास में चले जाओगे। बोले पहला नंबर पासपोर्ट, बोले पासपोर्ट क्या, बोले गले में तुलसी की कंठी धारण करनी चाहिए, गले में तुलसी की कंठी धारण करो, ठीक है ना। जैसे ठाकुर को जो कुछ भोग लगाओ जब तक तुलसी दल नहीं तो के ठाकुर उसको स्वीकार नहीं करते, उसी तरह हमारा जो शरीर है ये 5 चीज से बनी हुई, मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश, अंदर में टाटी पेशाब और कुछ है ही नहीं है, केवल खून पीक से शरीर भरा पड़ा हुआ। लेकिन शरीर पवित्र कैसे होगा, जब गले में तुलसी की कंठी धारण करेंगे, तुलसी लक्ष्मी है, गले में तुलसी लक्ष्मी। जब महाराज जमदूत को कहते हैं, बोले देखो जो मेरी भक्ति नहीं करते ना ठाकुर जी को मेरे पास में ले आना। बोले कैसे समझेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, बोले 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते होते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में अगर तुलसी घंटी है हम ठाकुर जी की पालतू है, जब कभी भी हमारा तरफ में नहीं देखेगा, कभी नहीं देखेगा, समझ जाएगा भैया ठाकुर का आश्रय लिया हुआ, इसको पास मत, जब स्वयं कहते हैं। इसलिए गले में तुलसी की कंठी। बोले दूसरी चीज, बोले भीजा, बोले भीजा क्या, बोले तिलक। जैसे आप माताएं मांग भरती है ना, सिंदूर लगाती है, मांग भरती क्यों, सधवा है, इसलिए तो करती है ना। बोले सधवा कब से बने, शादी से पहले कोई मतलब था नहीं, शादी हुई तब सधवा, कब तक रहोगे, जब तक पति, उसके बाद में फिर भी दवा, एक जन्म से नहीं करोड़ों जन्म से पकड़ रही और छोड़ रही। कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी हो गोपाल जूसो जो चुड़ल अमर हो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अगर ये तिलक लगा लिया ना, बस कृष्ण तुम्हारी
दूल्हा बन गए हैं, तुम दुल्हनी कृष्ण की बन गई, तुम जादव है ना, जादव है ना, जादव कौन है, कृष्ण है, जादव थे ना सब, तुम सबके सब भगवान की सखियां हो, समझ रहे हो, कृष्ण जादव है और तुम लोग जादव घर में जन्म हुए हो, जादव कृष्ण जादव है, जादव थे ना कृष्ण, इसलिए जदुवंशी कृष्ण का वंश में तुम लोग आए, बहुत पुण्यात्मा हो जो कृष्ण के वंश में तुम लोग जन्म लिए बड़े भाग्य से, ठीक है ना, इसलिए तिलक धारण करनी चाहिए, जैसे इस जगत का पति के लिए धारण करते हो, ये तो पति, लेकिन परम पति कौन है, भगवान हमारे परम पति, तो पति है, पति का जो पति, सबका जो पति, कहते ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु स सखा तुम्हें तुम्हें विद्याम द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम असली पति भगवान, ठीक है ना, इसलिए गले में कंठी तिलक, और सबसे जो महत्वपूर्ण टिकट चाहिए, बगैर टिकट से वहां नहीं जा सकते, टिकट चाहिए, बोले टिकट क्या है, टिकट क्या है, बोले भगवान के नाम, ठाकुर जी के नाम, आप देखना जिंदगी भर जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा ना, जब शरीर छोड़ता है, चार व्यक्ति जब कंधे पर ले जाते हैं, अब सुना क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो ये बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, ये बोलते, बोले बेटा जितना हरि का नाम लिए हो, जितने राम का नाम लिए, वही तेरे साथ में जा रहे हैं, और जीवन में जो कुछ किया तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में जा रही है, पत्नी आएगा तो रो रो कर दरवाजे तक जाएगी, उसका आगे नहीं चलेगी, परिवार जाएंगे तो शमशान तक चलेगी, उसका आगे नहीं जाएंगे, साथ में आके क्या चलेगा, कहते पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आगे जाएगा तो ठाकुर का नाम ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना, इसलिए भगवान के नाम हमें जप करनी चाहिए ठाकुर जी का, लेकिन भक्ति करने के लिए कुछ चीज की जरूरत है, क्या जरूरत है, जैसे आपके आपको कोई बीमारी हो, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर बोलेगा देखो तेरे को तो बढ़िया दवा दे रहा हूं, लेकिन परहेज को साथ में अगर ये दवा लोगे दवा तो जल्दी काम करेगी, अगर बगैर परहेज को साथ में लोगे ना, ये दवा तो खाओगे लेकिन दवा काम नहीं करेगा, हैं? अगर परहेज को साथ में, बोले परहेज क्या, ध्यान देकर सुना, बोले भगवान की भक्ति करने के लिए चार गंदी चीज जिसको छोड़नी चाहिए, पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए, खेल तुम तो लोग जुआ नहीं खेलते हो, तुम लोग जुआ खेलते हो नहीं, कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए, इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं धर्म राजा हूं, देखो ये जुआ खेल कर मेरे कितने सत्यानाश, राज्य गया, भाई गए, पत्नी की भरी सभा में उसको उलग्न देखना पड़ा, फिर 12 साल तक जंगल में, 1 साल तक अज्ञातवास में, और विराट राज्य में हमें नौकर बनना पड़ा, कहां युधिष्ठिर महाराज सम्राट, कहां सर्वश्रेष्ठ गदाधारी गांडीवधारी अर्जुन जैसे व्यक्ति, नौकर का काम करना पड़ा, मतलब जुआ जो खेलेगा ना सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए कभी भी जुआ में शेयर बाजार में कभी मत लगाया करो, पैसा जाएगा तो पूरा ही जाएगा, समझ रहे हो, भगवान जितने दिए हैं उसको संभाल करके रखो, और उसी से ही अपना जो ऐसे काम कर जिससे पैसा मूल से नहीं चले जाए, ठीक है ना, दूसरा तरह का बोले नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब हराब, इस चीज को मत लिया करो, शराब कभी ले लेते हो ना, मत लो कभी मत लो, देखो ध्यान देख रहे सुनो, हाँ अच्छी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, हाँ देखो इधर सुना, हाँ कहते जो इधर सुना, जो जो शराब पीते हैं ना, कहते उनका 3 लाभ है, हाँ सुना, बोले उसका 3 लाभ है, बोले 3 लाभ क्या है, बोले उसका पहला नंबर लाभ है वो बूढ़ा नहीं बनेगा, क्या बात, बच्चों को बड़े इसलिए कहते पहला लाभ क्या है, उसको बूढ़ा नहीं बनेगा, बोले दूसरा लाभ क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगी, बोले तीसरा लाभ, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, बोले मतलब क्या, देखो इस संतों का कहना है, पहला नंबर बूढ़ा नहीं होगा, बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहते तो बूढ़ा होगा, कुछ दिन पहले मेरे पास में एक माता जी हरिनाम ले 30 साल की माता जी थी, मैंने देखा विधवा है, मैंने कहा बच्चे हैं, बोले 2 बच्चे हैं, बोले देखा उसको तो विधवा, बोले पति, बोले पति तो शरीर छोड़ दिए, मैंने कहा कैसे, बोले शराब पीते थे, उसको टेस्ट किया तो जोड़ो किडनी खराब, उसके हार्ट लंग सब खराब हो गया था, लास्ट में पता चला तो 30 साल उम्र में उसने विधवा हो गई, मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ वहां लड़की लड़की देखता हूँ, बोले भैया लड़की इतना क्यों, यहाँ पर बूढ़े सब कहाँ गए, बोले बचपन में शराब पीना शुरू करते हैं, पीते 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 बस आंत फांत जल कर खत्म, बस
बीच में समर जाते, इसलिए बूढ़े नहीं। इसलिए पहला लाभ क्या है, बूढ़ा नहीं बनेगा। दूसरा लाभ, घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी क्या होगा, घर में कुछ हो तब तो चोरी होगी ना, वो तो बेच बाज कर पी भाग खत्म कर देगा, चोरी कहाँ से होगी, घर में चोरी कहाँ से होगी। तीसरा लाभ क्या, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। मतलब क्या, पीपा आकर के रोड में पड़ जाएगा, गिरना पड़ेगा, कुत्ते आकर के मुंह चाट कर जाएंगे। इसलिए एक वीडियो आया था, आप देखे होंगे, आप देखे ना कैसे एक व्यक्ति पी कर पड़ा हुआ, बुरी कुत्ते उसका मुंह को चाट, उसका देखोगे ना कैसे बुरा लग रहा था, ठीक है ना। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को, और देखो इधर सुनो, देखो कभी भी जैसे कोई शादी विवाह हो, कोई बच्चे का बर्थडे उसको हो ना साल, हम क्या करते हैं, जब तक इसको शराब नहीं पिलाएंगे, मांस नहीं खिलाएंगे, भले ये कौन सा शादी, ये कौन सा ही पार्टी हुई जिसमें शराब नहीं खिलाया, मांस नहीं खिलाते हो। ये संतों का कहना बुरा मत समझो, है संत कहते जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतलों तुड़वा दिया, इतने तुमने जानवर को मरवाया, बच्चे का कभी कल्याण होगा तुम्हारी? अगर 100 साल हो ना, उसी दिन 50 साल में उतर कर आ जाएगा, क्योंकि जिसके उद्देश्य में तुम इतने पाप कर्म करा रहे थे, बच्चे का कभी कल्याण नहीं होगा, पाप ही सब है। इसलिए कभी भी ये सब गंदे काम में हाथ नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करना गंदी चीज से दूर रहो, हाँ। खाने के लिए कितने, पीने के लिए कितना बढ़िया बढ़िया दूध भगवान बनाए, फल जूस ड्राई फ्रूट क्या क्या बनाए, उसको खाओ ना। उल्टा चिरा चीज देखो, अगर हम जो करेंगे, हम बच्चे पिता माता का पहला गुरु पिता माता, अगर हम पिएंगे फिर बच्चा हमसे क्या सीखेगा बताओ, वही सीखेगा। मैं विदेश जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह ना पर्थ, नाम सुन, पर्थ में जाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। उसका दो बेटे हैं, एक बेटा तो माँ इस भक्ति करती है, हमारी गुरुजी की शिष्या है, उसका फॉलो करता है छोटा बेटा, जो उसका जो बड़ा बेटा वो पिता को फॉलो करता है, लेकिन पिता पिता है, पिताजी पिता है। अभी उसका पत्नी बहुत मनाया, भाई मत पिया करो, बच्चों को अच्छी संस्कार नहीं, गलती संस्कार पड़ेगी। धीरे 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 पिता को जब देखा, पिता घर में जब आता है नशे में डोल डोल कर आते हैं, बच्चा क्या, पहला गुरु तो पिता माता, वो भी पीना शुरू कर दिए, तो उसने पीना शुरू कर दिए। अभी बच्चा जब आए वो भी डोल डोल के नशा में आए, पिता भी जब नशा में, फिर पिताजी को होश आया, मैं बच्चा को मना कैसे करूंगा, मैं स्वयं पिता हूं, उसको मना कैसे करूंगा। उसने देखा भैया घर नहीं श्मशान होने लग गया, घर लड़ाई झगड़ा अशांति घर में, बड़े दुख कष्ट आने लग गया। फिर उसको पिताजी संभल गया, पति को माफी मांगी, पत्नी को बोले तुम बहुत पहले मेरे को मना की, मैंने सुनी नहीं, लेकिन तुम सही बता रहे थे, मैं बच्चे को मैं क्या समझाऊं, मैं तो स्वयं पिता हूं, बच्चे को समझाऊं कैसे, दोनों ही पागल बनकर आते घर में लड़ाई झगड़ा अशांति घर में दुख कष्ट। फिर उसे संभल करके स्वयं संभल गया और बच्चे को भी उसने संभाल लिया। इसलिए हम जो करेंगे हमारा बच्चा पहले हमें फॉलो करेगा, ठीक है ना। इसलिए आज से कान पकड़ो, कभी चीज को हम ग्रहण नहीं करेंगे। भागवत का पंचम स्कंध में पढ़ो, भागवत में पंचम स्कंध को पढ़ो, वहां पर बताए जो शराब पीते हैं मरने के बाद लोहे को गला करके उसको मुंह में डालते हैं, बोले तुमको मुंह दिया था शराब पीने के लिए ना, भगवान की नाम जप करने के लिए तुम्हें दिया था, समझ रहे हो, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। तीसरा जो स्त्री है, जो पाप का कर्म बोले अवैध रूप में स्त्री संग करना, मतलब है बगैर शादी के लड़की लड़कों से और लड़का लड़कों से जो संबंध है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये शास्त्र स्वीकार नहीं करता, नहीं, संसार करो, शादी करके अपना पत्नी को साथ में घर गृहस्थी बैठा, हाँ, घर गृहस्थी करो, अपना पति को साथ में, पति पत्नी दोनों मिलकर के धर्म पूर्वक घर संसार करो, अधर्म पूर्वक नहीं है। यहाँ पर अधर्म का 3 स्थान है, और चौथा स्थान है जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस मछली अंडा है और प्याज लहसुन ये चीज को ग्रहण नहीं करनी। चाहे मांस मछली खाते हो, सही सही बोलो, जो खाते शराब के साथ सब चलता है, खाते और कौन खाते, सही सही बोल दो, बाबा को झूठ नहीं बोलते, तुम लोग तो घर में खाते ही नहीं है ना, घर में घुस जाते नहीं, घर में, घर में नहीं, ये चीज गलती। हाँ देखो इधर सुनो, ये इस विषय पे थोड़ी सुन लो, इसका नाम है मांस। मांस मतलब क्या, मां मतलब मुझको, सह मतलब वह, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं भागवत में, कि इसी जीवन में जो जिसको खाता है अगले जीवन में वही फिर उसको ही खाना खाता है,
इसलिए इसको मांस बोला है। अंग्रेजी में कहते मीट, अंग्रेजी में मीट, मीट मीट मतलब क्या, मी ईट, मी मतलब मुझको, ईट मतलब खाना, मतलब तू अभी जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा। इसलिए भागवत में एक कथा थी, राजा थे जिसका नाम सुरत था, वो यज्ञ में पशुवध करता था। नारद से मिल गए, बोले क्या कर रहे हो, बोले पशुवध कर रहे हो, बोले जानते हो इसका फल क्या, बोले क्या फल, बोले अभी अभी तेरे को दिखाता हूँ। उन्होंने कमंडल से पानी लिया, मंत्र करके उसके ऊपर छिड़काव कर दिया, शरीर छूट गया। छूटते ही देखा जमदूत आकर गले में काला फास को लगा करके गम रेतियों के ऊपर ले जा रहे, घिसट हुए कुत्ते सियार माट को नोच नोच कर खा रहे। जितने उसने जानवर मारा था सब लाइन कर खड़े हुए तलवार लेकर गए। उसने पूछा भैया तुम लोग कौन है, बोले याद है अगली जीवन में खाया था, बोले पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, पाप अपना बाप को नहीं छोड़ती, इधर आजा हम प्रतिशोध लेने के लिए खड़े। उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े कर काट रहे थे, चीख रहा था छोड़ो छोड़ो, बोले हम भी बोल रहे थे छोड़ो छोड़ो, तो छोड़ा था मेरे को। जब नारद जी फिर जब पानी छिड़काव किया फिर बच गया, उसको शरीर ऐसे से कांप रहा था, बोले तुमने क्या देखा, बोले मैं तो सोच रहा था खा गया हो गया, मैंने देखा जितने जानवर मारा था एक अगर बटी बटी करके काट रहे थे सबके सब, चीख रहा था कोई छोड़ नहीं रहे थे, बोले मेरे को सब ये जानवर बनना पड़ेगा। बोले बेटा कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता है, जैसे बीज बोओगे ना वृक्ष वैसे ही निकलेगा। हाँ देखो जीवन में हम कोई दुख नहीं चाहते, सुख चाहते ना, कोई दुख चाहते हो, दुख चाहते कोई नहीं, हम सुख चाहते, सुख चाहते ना, हम कहते हैं ना भाई दूसरों को सुख दो फिर सुख मिलेगा, दूसरों को दुख देगा क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। जब किसी जानवर को काटते हैं वो जो छटपटाता है वो जो कष्ट भोग करता है वो कष्ट कौन लेगा। भागवत में बताया पांच व्यक्ति को इसका पाप लेना पड़ेगा, बोले हंता निहंता विक्रय नाम बताया भागवत, बोले जो उसको काटता है, दूसरा जो उसको बेचता है, तीसरा उसका जो बनाता है, चौथा जो खाता है, पंचमा जो पैसा देता है। कहते पांच व्यक्ति को पाप को बांट करके, ये पांच व्यक्ति को ये पाप बांट करके पांच व्यक्ति को लेना पड़ेगा है। इसलिए जगत में सब जीव ठाकुर का, हम एक पिता के बच्चे, एक पिता के बच्चे है कि नहीं, हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं। इसलिए जब एक पिता के बच्चे फिर हम दूसरों को काट कर कैसे खा सकते हैं, एक जीव को जो भगवान की संतान इसको काट कर कैसे खा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो शरीर है ये नॉन वेज की नहीं वेजिटेरियन है, हमारा शरीर नॉन वेज की नहीं वेजिटेरियन, लेकिन हमारे मन में एक भूल धारणा है अगर हम मांस मछली नहीं खाएंगे फिर हम कमजोर हो जाएंगे, सोचते ना हम कमजोर हो जाएंगे, नहीं कमजोर नहीं होगे बलवान होगे ताकतवान होगे। देखो ये नहीं खाते इनका हेल्थ क्या खराब हो गया सबके सब, हाँ सब खराब हो गया थे, नहीं बढ़िया, नहीं खाओगे ना शरीर और ज्यादा हेल्थी होगी। देखो उसका उदाहरण देकर समझाते हैं, एक तरफ भेज दूसरे पर नॉन भेज, जैसे नॉन भेज कुत्ता खाता है नॉन भेज, अब देखना कुत्ता थोड़ी सी जब भागता है ना सोता हुआ हाँपता हुआ देखोगे, अब डिस्कवरी खोल कर देखना जब बाघ और शेर जब मांस खाते हैं चार पांच दिन तक पड़े रहेंगे, क्यों उसको हजम करने के लिए। अब देखना शेर को ऐसे पंजा करके दिन भर, अब बाघ को देखना ज्यादा करके तो एक बार खा लिया ना, ये सब नन भेज भेज। देखो घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है चना खाता है। हम जब किसी मशीन को साथ में उदाहरण देते हैं कितने हॉर्स पावर, कितने लायन पावर, कितने टाइगर पावर नहीं देते, कितने हॉर्स पावर। हमारे वृंदावन में हम रहते हैं ना घोड़ा गाड़ी है, अब देखना घोड़ा गाड़ी 10-10, 15-15 व्यक्ति बैठे हुए अकेला घोड़ा खींचते हुए ले जाता है, रेस किसकी होती है घोड़े की। हाथी क्या खाता है, घास पेड़ पौधा खाता है, इतना बड़ा शरीर किसका दुनिया में है, इतने ताकत है। एक बैल क्या खाता है, घास खाता है, दिन भर देखना खेती में काम करता है। बताए जो वेजिटेरियन गधे केदारनाथ बद्रीनाथ गए हो जहाँ इंसान नहीं चढ़ पाते हैं, वो घोड़े और खच्चर गधा पीठ पर बैठा करके इंसान नहीं चढ़ पाते हैं, पीठ में बैठा कर कौन ले जाता है बैठा करके। इसलिए कहते जो वेजिटेरियन है उनको शरीर में ज्यादा ताकत है, नॉन वेज में नहीं। इंटरनेट खोल कर देख लेना, वहां पर बताए दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर और हार्ट अटैक में कौन मरता है, बोले जो मांस खाने वाले, इनके ही हार्ट अटैक कैंसर में यही लोग ज्यादा मरते हैं।
है, यही लोग ज्यादा मरते हैं। इसलिए ये सब चीज खाने से शरीर कमजोर होता है, चोर नहीं, कमजोर होता है, जोर नहीं होता है, है? अब राजस्थान में, अभी हम राजस्थान में उस तरह कथा करने के लिए, राजस्थान के लोग देखो ना कितने मोटे लंबे चौड़े 80-90 साल तक तो खेत में काम करते हैं। हम लोग उड़ीसा बंगाल तरफ से आए हैं, हमारे उधर अलग 60-70 वर्ष मर जाते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं, जिंदा नहीं रहते। क्यों? ये जो शरीर बना हुआ नन वेज नहीं, वेज, इसलिए वेजिटेरियन खाने से लंग लाइफ रहता है और ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है। एक तो पाप से मरता है और उसको खाने पर वो हजम सहज नहीं होता है, हैं? इसलिए ना कुत्ते शेर जब ये सब चीज खाते हैं उनका भोजन, उनका दांत देखो कैसे, कुत्ते का दांत देखो, शेर का दांत, बाघ का दांत कैसे नोकीले नोकले, क्यों? उनको मांस खाएंगे इसलिए उनको नोकले दांत बनता है। और इंसान का दांत देखो, बकरी का दांत देखो, बैल का, घोड़ा दांत, हमारा दांत बराबर, क्यों? हमारे दांत वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेज के लिए हमारे दांत नहीं, उन्हें भेज नहीं, जगह जितना नॉन वेजिटेरियन वो पानी का पीते कैसे पीते, जीवा में चाट चाट करके खाएंगे, लेकिन वेजिटेरियन हम लोग मुंह में लगा कर पीते हैं, इसलिए आंख उनके देखना रात में जलती रहती है, हमारी रात नहीं जलती है, इसलिए शरीर वेजिटेरियन नॉन वेज के लिए शरीर नहीं हमारी। बताओ 1 किलो मांस का कीमत कितना है? 400-500 हजार तक, ऐसे हिरण फिरण मांस लोगे ना 1000-2000 रुपया तक है, एक टाइम लाया एक मांस, एक टाइम खा करके 1000 रुपया खत्म। आप 5000 रुपया का साग सब्जी ले आओ, कितना दिन खाओगे? कितना दिन खाओगे बोलो? 15 दिन तक खाओ, 1000 रुपया लाओ तो 15 दिन तक खाते रहो उसको, पैसा बच गया कि नहीं? पैसा बच गया, पाप से बच गए हो, पैसा अगले जीवन में तुम्हें जानवर बनना पड़ेगा, जो खाओगे अगले जीवन में वही जानवर, सारे पाप उसमें, पाप ही पाप और कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो? इसलिए घर में बनाकर खाते ना, बाहर जाकर खाते हो, घर में बना लेते हो। अब तुम भी घर में नहीं, पूजा होती है ना, हाँ घर में पूजा होती है ना, हाँ इसलिए तो तुम घर में कभी कभी बना लेते हो। तो तुम्हारी पत्नी पर बीवी बीवी यहाँ पर है? कहाँ उसका बीवी? उसका बीवी कौन है? उसके इधर आओ, इधर इधर आओ, हाँ जल्दी आओ, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी है, इधर सुनो, ये घर में मांस बनाता है? तुम बनाते हो? कौन बना? कोई बनाता है? बाहर खाता है, बाहर नहीं, बोलते हैं घर में बना कर, अंडे वगैरह बना लेते, घर में अंडे वगैरह बना देते हो, हाँ हाँ, क्या मांस नहीं खाते? तुम भी अंडा खा लेते हो? ये कहा था नहीं, ये चीज कुछ, हाँ मैं अभी से और पीना नहीं, ठीक है ना? पत्नी तो बच्चे तुम्हारे ऊपर बहुत बुरे असर पड़ेगा, तुम्हारे घर में पूरा परिवार परेशानी परेशान रहेगा, पत्नी भी खुश नहीं रहेगी, पिता माता भी खुश नहीं, बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है ना? आज सत्संग से तुम प्रतिज्ञा लो, आज से हम मदिरा नहीं पिएंगे, ठीक है ना? हंस रहे हो क्या? नहीं पीना मदिरा, ठीक है ना? शराब नहीं पीना, इसलिए गंदी चीज होने, और घर मांस भी छोड़ देना, ठीक है ना? मांस छोड़ देना, हाँ भी लेता है, और ये तीनों तुम भी ले लेते हैं, तुमने हरिनाम लेकर आया था ना, फिर क्यों लेते हो? नीम की माला लिए तो देखो बीच में, कुछ भी लो, भगवान का नाम ले लो, ठीक है ना? और देखो सत्संग से नियम है, कुछ दो कुछ लो, बोले दे क्या, बोले गंदी चीज दे दे, ले क्या, बोले ठाकुर का भक्ति लो, ठाकुर जी की भक्ति, अच्छी चीज लो बुरा चीज छोड़ो, ठीक है ना? तब तो सत्संग करने का लाभ, हम इतना दूर से लाए हो, इतने कष्ट करके लाए, इसलिए संत जो देते है उसको झोली